बॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है लेकिन किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना। 5 ऐसे ही अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज बताने जा रहा हूं जिसे आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन ये हमारी इस सीरीज का पार्ट 3 है, तो इससे पहले आप 2 वीडियोस को और जरूर देखें, उसमें भी आपको बहुत सारी मूवीज की लिस्ट मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उन्हें भी जरूर देखना। नंबर 1, 1971। बॉलीवुड में कुछ ही ऐसी मूवीज हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भाई सच में देशभक्त होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज ऐसी है जिन्होंने देशभक्ति के नाम पर सिर्फ पागल बनाया है, बट 1971 उनमें से नहीं है। इस मूवी को देखने के बाद आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो कहना, आंख में आंसू आ जाएंगे। इसका क्लाइमैक्स इतना जबरदस्त है। मनोज बाजपेयी, रवि किशन, दीपक दोबरियाल, पीयूष मिश्रा जैसे कई दिग्गज कलाकार एक साथ एक फिल्म में एक फ्रेम में आपको नजर आते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये फिल्म है। इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से लिखा गया है वो और भी जबरदस्त है। फिल्म की कहानी की बात करते हैं, इसमें पाकिस्तान में कई इंडियन सैनिकों को बंदी बनाया हुआ है, लेकिन उनकी एक कैंप में खातिरदारी भी हो रही है। वो खेलते हैं, कूदते हैं, आपस में बात करते हैं और उन्हें जल्दी रिहा करने की भी बात चल रही है, लेकिन यहाँ से जो साजिश पाकिस्तान बुनता है वो देखकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। सीरियसली, पाकिस्तान इंडियन सैनिकों के साथ ऐसा कुछ भी करता है फिर भी बॉलीवुड में पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन असली बात जो मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी दिल की धड़कनें रुक जाएगी, क्योंकि ये कहानी फिक्शनल तो है लेकिन असली टॉपिक यानी कि रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसमें 54 प्रिजनर्स कहां गायब हो गए, पाकिस्तान उन्हें कहां छुपा के रखा हुआ है, ये अब तक कुछ नहीं पता है। बाकी स्टोरी क्या है फुल, आप उसे यूट्यूब पर जरूर देखना, इस मूवी को भी देखना और 1971 में 54 मिसिंग इंडियन सोल्जर की कहानी को भी जरूर देखना। बहुत इंस्पायरिंग है और आपको पाकिस्तान की असली सच्चाई पता चलेगी। नंबर 2, अगली। अनुराग कश्यप ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा को डार्क सिनेमा दिया है। उनकी कई सारी मूवीज बहुत डार्क हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि शायद अनुराग कश्यप ही वो शख्स हो सकते थे जो इंडियन सिनेमा का चेहरा बिल्कुल बदल कर रख देते। फिलहाल ऐसा वो कुछ करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली जैसी फिल्म उन्होंने बॉलीवुड को देकर बॉलीवुड को बहुत बड़ा नाम बना दिया है, बॉलीवुड पर ही उद्धार किया है। फिल्म की कहानी किडनैपिंग को लेकर के है। एक बंदे की बेटी किडनैप हो जाती है, जिसको पुलिस वाले बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पूरी कहानी में जो ट्विस्ट आता है, जो टर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, प्लॉट इतना अच्छा मूवी का और इसका क्लाइमैक्स देखने के बाद आप कहेंगे, अनुराग कश्यप आपने ये क्या कर डाला। मतलब इतनी जबरदस्त फिल्म है अगली, बहुत अंडररेटेड है, यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगी, आपको इसे जरूर देखिएगा। नंबर 3, अटैक। जॉन अब्राहम के करियर में बहुत सारी मूवीज ओवररेटेड है, लेकिन अटैक उनमें से एक बिल्कुल नहीं है। अटैक एक बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, साईफाई मूवी है। एक सोल्जर जिसमें एक चिप डाल दी गई है जो एक पूरी तरह से AI सोल्जर बन जाता है, यानी कि आज की जनरेशन इस फिल्म को जरूर पसंद करेगी। और एक AI सोल्जर कैसे हमें एक बहुत बड़े हादसे से बचाता है, ये फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बहुत जबरदस्त एक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। बहुत बड़ी मूवी नहीं है, छोटी सी फिल्म है, जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन सीरियसली आप इसे देखने के बाद कहेंगे कि ऐसी फिल्म अब बॉलीवुड में क्यों नहीं बनती। नंबर 4, पिंक। नो मीन्स नो, यानी कि अगर किसी विमेन का कंसेंट नहीं है तो आप उसे छू भी नहीं सकते हैं। इस फिल्म में इतनी सी बात को इतने अच्छे से समझाया गया है कि अगर ये इंडिया के हर एक स्टेट में चलाया जाए फिल्म, तो कई लोगों को अकल आ जाएगी। बट फिल्म को कौन सीरियसली लेता है, जब तक फिल्म में औरत की चूटी ना काट दी जाए मजा कहाँ आता है। पिंक इतनी ज्यादा बोल्ड फिल्म है जिसे देख करके लगता है कि इंडियन सोसाइटीज को ऐसी फिल्म दिखानी चाहिए। किसी की मर्जी के बिना उसे छूना कितना ज्यादा बुरा हो सकता है, चाहे फिर वो एक प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना हो। आपको किसी भी औरत को उसकी मर्जी के बिना नहीं छूना चाहिए। अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू, कृति खरबंदा, क्या जबरदस्त एक्टिंग है, और अंगद बेदी एज विलन। भाई साहब, इस बंदे ने दिल जीत लिया एज विलन।
ये मस्ट वॉच मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। कोर्ट ड्रामा है और अगर आपको कोर्ट ड्रामा पसंद है इस फिल्म को जरूर देखिएगा। पीयूष मिश्रा इसमें भी किल करते नजर आ रहे हैं। नंबर 5, भावेश जोशी सुपर हीरो। हम हर बार गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहते हैं एक्शन मूवी देखनी है, सुपर हीरो मूवी देखनी है, और जब वो मिल जाती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। भावेश जोशी सुपर हीरो, एक लॉजिकल सुपर हीरो हमें देखने को मिलता है। इतना जबरदस्त एक्शन, फिल्म की कहानी इतनी गजब है कि मतलब इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ भी बन सकता है भाई, मैं तो देखकर हैरान रह गया। जिस तरह से भावेश जोशी सुपर हीरो फिल्म में एक्शन दिखाया जाता है वो बिल्कुल भी बॉलीवुड का टिपिकल एक्शन नहीं है। एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी जो बहुत बड़े माफिया को एक्सपोज करता है, पानी माफिया को, जो पूरा पानी तो अपने पास रखना चाहता है और जो जरूरतमंद है उनका गला बिल्कुल सूखा रखना चाहता है। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे तो यकीन आ गया इंडियन ऑडियंस पूरी तरह से ब्लाइंड है, क्योंकि उन्हें ऐसी फिल्म थिएटर में देखने को नहीं मिली, क्योंकि इसके सामने खड़ी थी वीरे दी वेडिंग और सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ने उस फिल्म को सुपर हिट बना दिया। वीरे दी वेडिंग स्किप करो, भावेश जोशी को हिट करो। अगर आपको भी फिल्म पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर देना, लेकिन कमेंट पहले कर देना, तभी तो लाइक मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।